चतरा जिला की साइबर सेल ने ऑक्सीजन सिलेंडर दिलाने के नाम पर ठगी करने के आरोप में एक छात्र को गिरफ्तार किया है। डीसीपी आर साथिया सुंदरम ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान 22 वर्षीय जय किशन के तौर पर हुई है। जय किशन नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके का रहने वाला है। डीसीपी ने बताया कि सीमापुरी थाना पुलिस को एक शिकायत मिली थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके पिता को कोरोना संक्रमण हो गया था, ऑक्सीजन की जरूरत थी। इस दौरान उसे एक व्हाट्सएप पर विज्ञापन पोस्ट आया। इस पोस्ट में ऑक्सीजन सिलेंडर दिलाने का दावा किया जा रहा था। दिए गए नंबर पर संपर्क किया तो 20 किलोग्राम के दो ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए एडवांस 50,000 मांगे गए। 50,000 ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद उसे सिलेंडर नहीं मिला। कई बार कॉल करने पर नंबर को ब्लॉक कर दिया गया। इस शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज कर जांच की गई। ट्रांसफर किए गए बैंक के अकाउंट का डिटेल निकाला गया और टेक्निकल टिप सर्विलांस के आधार पर पुलिस आरोपी जय किशन तक पहुंच गई और उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह डिस्टेंस से बीबीए की पढ़ाई कर रहा है। अब तक उसने 10,000 लोगों से 3,00,000 की ठगी की है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।